वो लेडीज है, लेडीज बात करती है जी, जो आदमी होते हैं वो बात ही नहीं करते तुम्हारे जैसे। हाँ जी, टिकट टू फ्रीडम दिखाओ। टिकट में क्या लिखा है? इधर लाओ, टेबल पे लाओ, दिखाओ क्या है, क्या आप बता रहे हैं? हेयर सिदाना हियर, अच्छा हेयर बता दिया, हियर गेबोरे वाम डिश सेयर गेयरते फ्राउ सिदाना उंटर वुर्टिगुंग देर एक्चुअल गुल्टिगिन आरके क्रिटरिन जुर एटले बापरे उंटर वुर्टिगुंग देर एक्चुअल गुल्टिगिन आरके आई क्रिटरिन जुर एंटलासिंग आउस दे हाउसलिशन इजलियरम वेयर दी अपसोंडर्स वेफ्यूगुंग फ्रॉम फ्यूम्स इन April mit Ablauf des 22. April aufgehoben. Ab den 23. können Sie Ihre Wohnung ohne weitere Auflagen wieder verlassen. इसका मतलब ये है सीधे सीधे अक्षरों में कि 23 तारीख से नितिका बिना कुछ लेटर वेटर के बाहर निकल सकती है, समझ गए? पर इन्होंने 15 तारीख के लिखा है, उसने कॉल किया था 15 तारीख को। B1 एग्जाम सर्टिफिकेशन लेके आई है पर अभी तक लेटर पढ़ना नहीं आया है। तुमको बड़ा पढ़ना आता है सब कुछ, तुम तुक्के मार रहे हो, मेरे को भी समझ में आ रहा है। हम ना स्ट्रीट में जाके स्ट्रीट्स के लोगों के साथ बात करके सीखे हैं, हमारा सर्टिफिकेट ही वही है। ये देखो टेल का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। एक्चुअली मेरे को ये इसी पे ब्लॉग बनाना है कि मैंने जो है अपनी क्लास से सर्टिफिकेशन लिया, मतलब मैं स्कूल गई हूँ स्पेशली जर्मन सीखने, और इन्होंने गली से सीखी है, गली से स्ट्रीट में, अपन गली बॉय है आगे। तो वही बात करना था कि कैसे आप जर्मन स्ट्रीट से भी सीख सकते हैं या फिर आप क्लास से सीखे, वो कौन सा ज्यादा बेटर? क्या खाया तुमने रात को, कल क्या खाया था ये तो बता दो। बड़ी कुछ ठंडी ठंडी सी चीज खाई थी तुमने। नाक स्पाइसी की बात कर रहा हूँ, मैंने आइसक्रीम खाई थी, सीना ठोक के बोलता आइसक्रीम खाई थी। सीना ठोक के नहीं, सीने में वो होगा, खांसी होगी ना फिर पता चलेगा। देख लो हाँ, सीना ठोक के खांसी। तुमको खांसी हो रही है, तुम दुनिया को बोलते फिर रहे हो मेरे को तो खांसी हो रही है, मेरा को भी खांसी हो रही है, ये वो हो रही है। मैंने बोल बोल के थक गया भाई, मेरे को खांसी खत्म हो गई, मेरे को फीवर हुआ था, फीवर खत्म हो गया उसके बाद सब चला गया। ज्यादा डोमिनेटिंग मत हो, ठीक है ना, मेहनत मुझे करनी पड़ती पूरी पूरी में, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत। मेरे यहाँ पे लूची खाते है, चैनल का नाम भी नानन लूची है, ये बनाती पूरी है, लूची वो नहीं है जो पूरी होती है। और आपको लग रहा होगा कि लूची क्या होती है, लूची होती है छोटे भटूरे, नहीं मैं उसको भटूरे भी नहीं मानता, लूची लूची होती है। और लूची मेरे को पसंद है, मैं बचपन से लूची खाता आया हूँ, ये लड़की जब देखो पूरी बना मिलती है। तो अब लेटर आ गया है मुझे कि मैं जा सकती हूँ बाहर, जो कचरे वाला डब्बा है वो हमारे घर से निकल के आगे एकदम रोड तक जाके वहां पर रहता है। तो आई वॉज नॉट इवन टेकिंग द रिस्क टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, लिटरली नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, तो वो नहीं किया। अब घर थोड़ा सा ठीक करने का टाइम आ गया है, तो अब कचरे जाके गिर के आती हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई हैव टू बाय सम शॉपिंग स्टफ ऑल्सो, क्योंकि ना ब्रेड जो है जो हम लेके आए थे ना 2 हफ्ते की, वो खत्म हो गई है, ब्रेड वगैरह सब्जियां वगैरह नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है। थोड़ा सा भी फिर भी मैं डाइट में फ्रूट्स मतलब विटामिन सी वगैरह मेंटेन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मुझे अभी भी खांसी है। हाउएवर नेक्स्ट वीक हम लोग एक बार फिर से टेस्ट करवाएंगे टू गेट अश्योरिटी कि हाँ वी आर फाइन, वी आर नेगेटिव। गेजोन हाइट आर्म्स है, उसने तो बोला है कि जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम स्नेल टेस्ट करवा लो, लेकिन वो भी तब हमने जब उनसे पूछा कि हम करवाएं क्या टेस्ट, मतलब इज इट लाइक ओके कि टेस्ट करवाएं कि नहीं, तो वो बोले हाँ ठीक है करवा लो, स्नेल टेस्ट करवा लो, मतलब एंटीजन टेस्ट जो होता है, पीसीआर टेस्ट कराने की तुमको जरूरत नहीं है। क्या लेके आए हो तुम बाहर गए थे? बाहर नहीं गया था, घंटी बजी थी अभी तो हम आने के लिए। ये रूबार्बर कुकन है और साथ में क्रीम एकदम गरम गरम नया बेक करके दिए है, चाय के साथ, चाय कॉफी के साथ, कॉफी के साथ खाने के लिए। अब तुम तो खाते नहीं हो, तुमको इतना पसंद नहीं है, तो मैं खाऊंगी। कॉफी तुम नहीं पीते हो, गैस तुमको होती है, खाएंगे हम कॉफी के साथ। यार हमने एक्चुअली देखो ओमा जैसे ही आई है, परसों आई है, उनको हमने बताया ऐसे ऐसे हम पॉजिटिव हो गए, वो बोली मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे मदद करूँ तुम्हारी। हमने बोला नहीं नहीं आप सेफ रहिए। तो जब वो घंटी हो जाती है हम लोग मास्क लगा के दूर से एकदम ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर एंडिंग योर क्वारंटाइन टुडे। ये तो मेरे रोज का है, मेरी पैदाइश जर्मन है। अच्छा, मैं जब से आया हूँ तब से मैं दोपहर को चाय और बिना कुकन और क्रीम के मेरा काम ही नहीं बनता। आंखें तो खुल नहीं रही तुम्हारी, ये लो आंख नहीं खुल रही, वो सनबेडिंग कर रहा हूं मैं। हां अब सही है, अब थैंक यू। तो यही है रोज का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रोज करता रहता हूं। ए बोर मत मारो तुम। ये एक तरीके का रूट ये है, ये एक्चुअली लगेगा कि कोई सब्जी है बट
सब्जी नहीं, मीठा होता है और थोड़ा सा पिंक होता है। जयपुर में अगर ये उगता तो इसकी सब्जी बना दी जाती ना, है रुबार्ब की सब्जी। नहीं, जयपुर में क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कलकत्ता में होता तो भी बन जाती इसकी सब्जी, कलकत्ता में होता तो भी सब्जी बन जाती क्योंकि हम रोटी सब्जी रोटी चावल खाने वाले, ये मजाक मजाक करते रहते। तो ये यहाँ का काफी टिपिकल है, हमें लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे ये मिला था बिकॉज ये सीजनल है यहाँ का, जैसे इस वक्त एस्पैरेगस आता है वैसे इस वक्त रुबाब भी आता है। ये लोग केक बना देते किसी भी चीज का और हम लोग सब्जी बना देते किसी भी चीज का, तो वो डिफरेंस रहता है हमेशा। अभी चेक करके आता हूँ मेरा लेटर है कि नहीं, वैसे तो आ जाना चाहिए संडे सैटरडे, क्या फर्क पड़ता नहीं है, डॉयचे पोस्ट तो हमेशा काम करता है, बट अब फिर भी मैं जाके चेक करके आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली चिट्ठी नहीं आई है। अब क्या करेंगे बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जा पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, उन्होंने बोला तो था, उसमें लिखा था कि किस तारीख से जा सकते किस तारीख से, कोई नहीं कभी ना कभी तो निकलना था ही, ऐसा नहीं कि सारा जीवन क्वारंटीन में बिता दें। नीचे हमारे नीचे वाली जो उमा है ना वो नीचे थी, तो फिर मैं खोलने गया तो मैंने देखा कि वो नीचे, उसके पहले वो मेरे पास आती 1 मीटर से भी पास में, मैं भाग लिया वहां से, देखा गेट खोलने लगी थी। हाँ, कुछ तो काम कर रही थी अपना नीचे, बट ठीक है फिर मैं अपना बोला कि इससे पहले कि हाई हेलो करके बाद आगे बढ़ जाए, हाँ। वहीं पे जल्दी खत्म करके हाई हेलो करके निकल जाओ, वरना इनसे ना बूढ़े लोगों से स्पेशली जब बात करने बैठते हो ना, एक बार शुरू की बात बस पूरी राम कहानी चालू हो जाती है, फिर उसके बाद मतलब वो 5 मिनट 6 मिनट तक की कन्वर्सेशन होती है। वो लेडीज है, लेडीज बात करती है, जो आदमी होते हैं वो बात ही नहीं करते तुम्हारे जैसे। एक बहुत गंदा एडिक्शन जो है, मैंने जो रियलाइज नहीं किया था अब रियलाइज कर रहा हूँ कि प्ले स्टेशन मतलब जिनको एकदम मन नहीं करता खेलने का, वो जो उन्होंने खरीद रखा है वो एकदम ही नहीं खेलते, वो सालों साल नहीं खेलते, और जो खेलते हैं मतलब कि वो मतलब कि एक बार उनको बस उनका भी ऐसे ही रहता है पड़ा रहता है, बट जिस दिन पकड़ते हैं ना उस दिन फिर पकड़ के 1 महीना लगातार पेल के खेला एकदम मस्त से। अब क्या हुआ कि कोविड के चक्कर में घर से निकल नहीं पाए तो यहाँ पे बैठ के रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेल रहा हूँ। बहुत पुराना गेम है, बचपन भी तो मेरा अभी शुरू है, तो वही है कि 1 महीना लगातार अभी इसको खेलूंगा जब तक कि बोर ना हो जाऊं, मतलब गेम एंड ना हो जाए बेसिकली। होपफुली ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे व्लॉगिंग भी अच्छा लगता है एंड मुझे एडिटिंग करना भी अच्छा लगता है, सो प्रॉब्ली आई विल स्पेंड मोर ऑफ माई टाइम ओवर देयर। और धूप भी अच्छी निकली हुई है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, आई डोंट नो व्हाई, देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं, पैदल चल के देखते आते हैं कितना कर पाते कितना नहीं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे जो ई स्कूटर्स है ना, तो ई स्कूटर्स लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया ये है कि अब 10 यूरो की जो राइड होती थी यहाँ पे उसको 5 यूरो में दे के 50% ऑफ करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये ऑब्वियसली स्टार्टअप्स ही हैं, बट वही है कि लोग निकल नहीं रहे लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन तो है नहीं है सच, बट लोग इतना यूज़ नहीं करें है, मतलब फिर भी यूजेज उतना ज़्यादा नहीं है। और ये क्या पड़ा हुआ है, कितना सुंदर लगा यार, कितने दिन बाहर निकले हम, बाहर निकले तो इसीलिए सोचा है कि अब से 5 दिन लगातार पिछले 5 व्लॉग से मैं कोविड के बारे में बात किए जा रहा हूँ, अपने को भी हुआ है तो बात तो सही है कि उसी रिलेटेड बात होगी, क्योंकि जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो चीज़ बताना ज़रूरी भी है, सबको इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है, बट अब मेरा एकदम मन नहीं कर रहा किसी चीज़ के बारे में, कोविड के बारे में बात करने का, हो गया ख़त्म करो, अभी निकले हैं ऐसे थोड़ा बहुत, काफ़ी लोग निकले हुए हैं, संडे का दिन है आई गेस, मोस्टली आजकल इवनिंग्स में ऐसा ही हो गया है, संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, क्योंकि सब लोग तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर पे सारे दिन पड़े रहते हैं तो शाम को सब निकल रहे हैं। ये है पिंग पोंग टेबल, किस चीज़ का बनाएंगे, कॉन्क्रीट है, छोटा मोटा कॉन्क्रीट है, ग्रेवल भी है साथ में, और ये नेट है। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के पास, इस टाइम पे क्या होता है कि छोटे छोटे हट्स खुल जाते हैं, हट्स में क्या मिलता है, स्पार्गल मिलता है, स्पार्गल को इंग्लिश में एस्पैरागस कहा जाता है, तो वो बेसिकली वाइट कलर के स्पार्गल बेचते हैं और उसका सूप बनता है, ग्रीन वाला बेचते हैं क्या पता नहीं मेरे को, ग्रीन वाला ही बेचते हैं, यहाँ की एक्चुअली लोकल सब्जी है इस वक्त की, लोकल फार्म सब्जी ये हर चीज़ का सब्जी बना देते हैं, मेरे को ना सब्जी वर्ड से गुस्सा आ गया अभी। एनीवेज तो वो है कि उसे स्ट्रॉबेरी मिलता है, लोकल स्ट्रॉबेरी फार्म से लेके आते हैं, 2 ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी रहने के,
एक तो आप ऐसे हट्स में जाके जहाँ पे हम जाने वाले आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, और दूसरा आप फील्ड्स में जाके भी वहाँ से प्लक कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज। तो प्लक बोलते हैं ना, पिक, स्ट्रॉबेरी पिकिंग या जो भी है, तो ये सब कर सकते हैं। वैसे तो तुम बोलते हो ना अंग्रेज बनते, तो मैं नहीं पता कि स्ट्रॉबेरी पिक होती है, स्ट्रॉबेरी प्लक होती है, प्लक भी होती है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या सही बात है। बंद कर दिया गया ज़ू। हेलो हेलो, दिस इज ज़ू, दिस इज ज़ू और ich habe leider nichts mehr। Ah, thank you, okay, thank you, unfortunately खत्म हो गया सब कुछ। ये पीछे वाले हट में मिल रहा था जो मिल रहा था, जो चीज मैं सोचता हूँ कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा वो हो ही जाता है हमेशा। इंडिया में तो होता ही है, अब जर्मनी में भी होगी। ये देखो कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको मौका मिल गया कि वहाँ पे ऊपर जाके बैठना है, और यहाँ पे काली गाड़ी है उस पर पॉटी करनी है कि क्योंकि कोरोना में बिजनेसेस काफी ठप है, तो हमारा ये बनता है हक कि हम छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करें, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस है। तो अभी क्या है कि हम ऑर्डर करने वाले हैं घर के लिए खाना, डिनर, ऐसा बहाना बनाना पड़ता है वरना घर का ही खाना खाना पड़ेगा हमेशा। तो अभी क्या है, नहीं नहीं मैं बोल रहा था कैसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे तुमको क्या लगता है कि कान मतलब टेस्ट गया है, स्मेल नहीं, कान से हम सुन सकते हैं। कितना ही धीरे बोल लो, कान चल रहे हैं हमारे, अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी खाना ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा पर्शियन खाना मिल रहा है, उसमें ना कुछ कुछ डिशेज है जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, तो वो ट्राई करना है। तो लेट्स सी, ऑर्डर करके देखते हैं कैसा लगता है। कैसा है मिर्जा घासेमी खाने में, देख के बताओ। मिर्जा घासेमी लग तो बहुत यम रहा है, इट्स डिफरेंट देन मांगन का भरता। मेरा तो ये नॉर्मल ही लग रहा है, इट्स मोर लाइक राइस विद सम कबाब, कबाब का बड़ा सा यहाँ तक जा रहा है मेरे ख्याल से। और नितिका वाला अंडा मैंने ले लिया क्योंकि नितिका अंडा नहीं खाती। एनीवेज तो पूरा खत्म नहीं कर पाया, मेरा आधा रह गया, नितिका का भी आधा रह गया। अब ये हम करेंगे कल समाप्त अपना खाना। खाना अच्छा था, वन टाइम ट्राई था, कबाब इज द मेन थिंग इन पर्शियन डिशेस, तो वो कबाब वाज गुड, एंड उसके ऊपर उन्होंने नॉर्मल चावल और दे दिए तो उतना कुछ मजा नहीं आया। बट एनीवेज नितिका का बैगन का भरता वॉज नॉट लिटरली बैगन का भरता, इट वॉज समथिंग एल्स। तो ऑल टुगेदर आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बाहर जाने का मौका मिला, बाहर जाके घूम के आए हम, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बनने गया था पिछले 14 दिन में घर पे रह रहे, तो वो चीज़ खत्म हो गई है फाइनली। एंड अब क्या है कि अब धीरे 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 घर से बाहर निकलना है ताकि बॉडी अडेप्ट कर सके, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट रनिंग ऑल्सो इन लेटर डाउन द लाइन। तो अगर आपको ये वॉक फॉर सम रीज़न अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए हमको, इतने सब्सक्राइबर्स थोड़ा बहुत कर दो भाई, और साथ में बेल आइकन भी है, वो घंटी आज दूर है वहाँ पे, मैं घंटी वहाँ पे बजा देना जो भी है। और विद दैट सेड आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंड विद दैट सेड ऑफ बी द सेम।